Good morning, children. Welcome back to online classes. Today I teach you class 8 math. This chapter name are square and square root. Chapter number 3 जो आर एस सवाल बुक से है, हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाए हैं, हम लोग कृपया आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आएंगे. ओके, तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलते हैं थर्ड ए पे. क्वेश्चन नंबर 4, बाय वॉट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर्स वी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. इन ईच केस फाइंड द नंबर्स वेयर स्क्वायर इज द न्यू नंबर. बेटे आप इसको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर से बिफोर पहले जो हम लोग का एक नंबर होगा वो जिस परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हम लोग उसी को निकालेंगे. ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये देखते हैं. 1575 तो हम लोग निकालेंगे, पहले 3 से करेंगे. 3 5 15, 3 2 6 और 3 5 15. ओके, इसके बाद देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, 3 1 3 और 3 3, 3 6 18, सॉरी 3 7 21 एंड 3 5 15. ओके, और हम लोग फिर से देखेंगे 5 6 5 3 15 और 5 5 25. ओके, और 5 से जाएंगे 5 7 35, यहाँ पे 7 से जाएगा 1. यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर क्या निकला बेटा आपका, 3 × 3 × 5 × 5 × 7. ओके, तो यहाँ पे 3 से 3 पेयर में से एक बाहर करेंगे, इसमें से एक बाहर करेंगे. ओके, ये बट यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे डबल 7 नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे, तो ये जो होगा आपका नया नंबर बनेगा 3 5 15. ओके, 15 का स्क्वायर. आर यू क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 9075 में देखेंगे इसको भी इस तरह से निकालना है. तो पहले आप करेंगे इसको 3 से करेंगे ना, 3 3 9 0 और 3 2 6 और 3 5 15. ओके, अब हम लोग देखेंगे किस नंबर से निकलेगा ये, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे हम लोग. ठीक है, 5 5 6 30 और 0 5 5 25. ओके, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5 5 2 10 5 1 5. ओके, अब इसको देखेंगे 11 से कर दे डायरेक्ट, 11 11 21. ओके, फिर 11 से कर दो, 1 बार में जाएगा. यहाँ पे आप देखेंगे 3 × 5 × 5 × 11 × 11. ओके, एंड 3 5 5 11 11. ओके, हो गया. यहाँ पे डबल पेयर बन रहा है 5 का और 11 का बन रहा है. ओके, 3 का नहीं बन रहा है, तो ये जो न्यू नंबर, इसी को न्यू नंबर कहेंगे, 11 5 55 55 का स्क्वायर. ओके, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर. इसमें टू डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर लार्जेस्ट निकालना हम लोग को, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले देखेंगे टू डिजिट बोला, थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है. थ्री डिजिट लार्जेस्ट नंबर आर 100 होता है. ओके, 100 होता है, जो स्क्वायर किसका होता है, इट्स स्क्वायर आर इट्स स्क्वायर आर 10 का स्क्वायर होगा. ओके, तो हम लोग का जो स्क्वायर होगा 10 से बिफोर होगा, मतलब लार्जेस्ट हमको देखना है, टू डिजिट का देखना है, तो ये 100 से छोटा होगा. ओके, तो 10 से पहले क्या होगा बेटा, तो देख यहाँ पे होगा द नंबर बिफोर 10 इज 9. ओके, 10 और 9, तो आप जान दे स्क्वायर आर 9 का स्क्वायर आपका होगा 81. 9 9 81, स्क्वायर होगा 81. तो टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर आर 81. ओके, आंसर. इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे, इसके बाद हमें नहीं लगता है कि सर कोई क्वेश्चन बन, ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3rd B में जाएंगे. ओके बेटा, थैंक यू.